हाय गाइस, मैं हूं राजविंदर। पर आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजविंदर कुमार लाइव। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जियो फोन में गूगल ड्राइव ऐप कैसे यूज करें और कैसे चलाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना नेट ऑन कर लेना है। नेट ऑन करने के बाद आपको उसमें टाइप कर देना है www.googledrive.com। googledrive.com लिखने के बाद आपको इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा। वो गूगल ड्राइव तभी खुलेगा जब आपका जीएमएल अकाउंट रहेगा तभी खुलेगा। जीएमएल अकाउंट नहीं आता है बनाने तो अगला वीडियो मैं आपको बना दूंगा, उस पर देख लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। तो रहेगा तभी खुलेगा, आपका लॉग इन होना चाहिए यानी जीएमएल अकाउंट से लॉग इन होना चाहिए या गूगल से साइन अप करना होना चाहिए, तभी आपका गूगल ड्राइव ऑन होगा जियो फोन में और आप गूगल ड्राइव चला सकते हैं। और साथ में उसमें फ़ोटो सेव कर सकते हैं, वीडियो सेव कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं। उसमें एक तरह का फाइल होता है यानी और उसमें 100 GB तक के उसमें सेव कर सकते हैं गूगल ड्राइव ऐप में। जैसे आप सेव करते हैं, जैसे मेमोरी में आप कॉपी करते हैं, उसी प्रकार उसमें भी आप कॉपी कर सकते हैं और उसी में आप सेव कर सकते हैं। ऐसा क्यों सेव करना चाहिए? क्योंकि आप कभी कभी सेव कर लेते हैं, सेव कर देंगे उसमें तो आपका मोबाइल में जो जरूरी चीज़ रहता है वो आप गूगल ड्राइव में सेव कर देते हैं। सेव कर दिया और अपने मोबाइल में उड़ा दिया, यानी कि जरूरी काम वाला फोटो तो मोबाइल में से उड़ गया था, आप गूगल ड्राइव में से डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए गूगल ड्राइव में सेव किया जाता है और गूगल ड्राइव को आसानी से आप सेव कर सकते हैं और आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और वीडियो में कमेंट करके बताना कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या खराब लगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वेरी नाइस या वेरी गुड वीडियो जरूर लिखना। थैंक यू और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।